स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन सीरीज। कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज को पूरे को कंप्लीट करेंगे, उसमें चार ही क्वेश्चन बचे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। हमें अब शो करना है कि जो ओड पॉजिटिव ओड इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के। जैसे हमने एग्जांपल में किया था, सेम उसी तरीके से करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 6। वहाँ हम b को 2 भी रखा है, हमने 4 भी रखा है, और यहाँ क्वेश्चन में 6 है तो हम 6 ही लेंगे। देन बाय यूक्लिड लेमा, क्या है यूक्लिड लेमा हमारा? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ रखेंगे a की वैल्यू तो एज इट इज, b की वैल्यू 6q+r। ठीक है, फॉर सम इंटीजर, यहाँ हम आर की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। आर को हमने क्या रखना पड़ेगा? 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक। ठीक है, आर हमारा 5 तक ही रखेंगे। उसके बाद हम आर की वैल्यू इस इक्वेशंस में रखेंगे। जैसे लेट आर इक्वल्स टू 0, देन ए की वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी? 6q। ठीक है, सिमिलरली जब r की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 6q+1। r की वैल्यू 2 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 6q+2। r की वैल्यू 3 रखेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6q+3। r की वैल्यू 4 रखेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी 6q+4। r की वैल्यू 5 रखेंगे, a की वैल्यू 6q+5। अब हमें ओड इंटीजर्स चाहिए। जो ये 6q+2, 6q+4 है, ये सारे हमारे 2 के मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल है, और उसमें इवन नंबर ही ऐड हो रहा है। तो 2 का मल्टीपल इवन नंबर, और उसमें कोई भी इवन नंबर ऐड होगा तो वो कैसे नंबर बन जाएंगे? हमारे इवन नंबर बन जाएंगे। हमें कैसे चाहिए? ओड नंबर। किस टाइप के? 6q+1, 6q+3 और 6q+5। जो ये 3 नंबर है, किसी भी इवन नंबर में अगर हम ओड नंबर ऐड करते हैं तो वो कैसे नंबर बन जाता है? हमारा ओड नंबर बन जाता है। तो अब हम लास्ट में लिखेंगे, इफ ए इक्वल्स टू 6q, 6q+2, 6q+4, देन ए इज एन इवन नंबर। ठीक है, एंड डिविजिबल बाय 2। अगर कोई भी इवन नंबर है तो वो डिविजिबल बाय 2 तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद हमें कैसा चाहिए? ओड इंटीजर चाहिए। देन क्या हो जाएगा? देयरफॉर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म के होंगे हमारे? मैंने यहां बताया है क्या क्या होगी, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। ठीक है, मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रखा है। ये 6q है, ये हमारा 2 का मल्टीपल है, तो ये कैसा नंबर बन जाएगा? हमारा इवन। 6q+2 हमारा 2 का मल्टीपल है और उसमें इवन नंबर ही ऐड है, तो ये नंबर भी कैसा बन जाएगा? हमारा इवन। 6q+4 वही टर्म सेम, 2 का मल्टीपल और उसमें इवन नंबर ऐड, तो ये नंबर भी कैसा बन जाएगा? हमारा इवन नंबर। बाकी हमने दिखाना है ओड नंबर, तो किसी भी इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करेंगे तो वो कैसा नंबर बन जाएगा? ओड। इसमें भी यही टर्म लगेगी और इसमें भी यही लगेगी, तो ये कैसे नंबर बन जाएंगे? हमारे ओड इंटीजर बन जाएंगे। और किस फॉर्म में बनेंगे? 6q+1, 6q+3, 6q+5। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। उसमें क्या कह रखा है? एन आर्मी
कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड. 32 मेंबर्स हैं परेड में, उनके पीछे पीछे 616 मेंबर्स चल रहे हैं, ठीक है. द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. इन दोनों ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. 32 में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 616 में होंगे. वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. तो हमने बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है भाई. अब वही हमने इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एल्गोरिथम ही यूज करना पड़ेगा. कौन से वाला, एच सी एफ वाला, ठीक है. कौन सा होगा, यूक्लिड एल्गोरिथम लेमा हम यूज करेंगे इसके अंदर. वो कैसे करेंगे, लिखेंगे हम एच सी एफ ऑफ 616 एंड 32 विल गिव द मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इन विच दे कैन मार्च. हमने मार्च में ये बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो हमने क्या निकालना पड़ेगा, उनका एच सी एफ निकालना पड़ेगा. तो हमने फिर से वही कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, वी कैन यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एच सी एफ. एच सी एफ निकालने का मैंने यूक्लिड के हिसाब से तरीका आपको बता दिया था कैसे करना है. जो बड़ी टर्म होगी उसको हम ए मानेंगे, जो छोटी टर्म होगी उसको हम बी मानेंगे. तो यहां से बड़ी टर्म कितनी है 616, छोटी टर्म कितनी है 32. अब 32 को हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका रिमाइंडर क्या बचेगा हमें वो देखना है. 32 को अब जैसे मैंने 19 से मल्टीप्लाई किया और उसमें हमने 8 रिमाइंडर बचेगा. कैसे निकाला, 32 को 90 से मल्टीप्लाई कराओ, उसके बाद जो वैल्यू आएगी 616 में से उसको सब्ट्रैक्ट करो, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो मैंने यहाँ लिख दिया. आपको भी ऐसे ही करना है, मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में. उसके बाद फिर यहाँ ये जो 32 है जो हमने बी लिया था उसको हम यहाँ लेफ्ट साइड लिखेंगे, जो रिमाइंडर है उसको हम आगे लिखेंगे. अब 8 को कितने से मल्टीप्लाई कराऊं कि 32 आ जाए, कितने से कराएंगे 4 से, और रिमाइंडर हमारा 0. एच सी एफ हमें कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि हमारा क्या नहीं आ जाता, रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ठीक है. उसके बाद क्या आ गया हमारा, दी एच सी एफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8, देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स. उसमें कितने कॉलम्स आ गए हमारे, 8 कॉलम्स होंगे हर एक मार्च में. मतलब जो 616 मेंबर्स का जो कॉलम्स बनेगा वो भी 8 ही बनेगा, 32 मेंबर्स का जो कॉलम मेंबर्स आएंगे वो कितने आएंगे, 8 ही आएंगे. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m. हमने यूक्लिड लेमा का यूज करना है और हमें क्या दिखाना है कि स्क्वायर करेंगे अगर किसी भी हम इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का, वो क्या किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 3m की फॉर्म में होना चाहिए या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है. करते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड बी को हम क्या लेंगे, किस फॉर्म में दिखाना है, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में दिखाना है. तो जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के हम क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें भी ऐसे ही करते थे, यहां भी ऐसे ही करेंगे. ए हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और बी की वैल्यू जो हमें सॉल्व करना होता है, जो m या Q का जो कोफिशियंट होता है उसको लेते हैं हम b की वैल्यू, ठीक है. देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम क्या रखेंगे, a की वैल्यू तो एज इट इज, b की वैल्यू 3q प्लस r, ठीक है. अब हमें r की वैल्यू डिफाइंड करनी है, तो r की वैल्यू कहां तक जाएगी, यहां 0 है यहां 1 है, तो हम यहां लेके चलते हैं कहां तक, एंड
आर इक्वल्स टू जीरो वन एंड टू तक, ठीक है। हम एक दो एक्स्ट्रा सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि 3m प्लस 1 तक हमारी टर्म जाने वाली है। क्या करेंगे, हमने स्केयर दिखाना है तो लिखेंगे देयरफॉर, यहां हम r की वैल्यू डिफाइन करेंगे, इफ r इक्वल्स टू जीरो देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3q, ठीक है। r इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3q प्लस 1, r इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3q प्लस 2। तो अब हमने इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें क्या दिखाना है, स्केयर दिखाना है, वो किस फॉर्म में आने चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 में। इनका नाम रख लेते हैं 1, 2, 3। अगर हम इक्वेशन 1 का स्केयर करते हैं, यहां लिखते हैं स्केयरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1, मतलब दोनों तरफ हमें स्केयरिंग करना है, तो क्या आ जाएगा ए स्केयर इक्वल्स टू 3q का होल स्केयर, 3q का होल स्केयर की मतलब 9 इंटू क्यू स्केयर, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि हमने किस फॉर्म में दिखाना है, 3m की फॉर्म में, तो 9 स्केयर को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्केयर, ठीक है। 3 इंटू 3q स्केयर लिख दिया मैंने, 9 को क्या किया 3 इंटू 3 में ब्रेक कर लिया। अब हम 3q स्केयर को कुछ और वैल्यू रख देंगे, लिख देंगे लेट 3q स्केयर इक्वल्स टू m, वो यहां रख देंगे, तो a स्केयर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3m। इस पूरे की वैल्यू को मैंने क्या नाम दे दिया, m रख दिया, क्योंकि हमने क्वेश्चन में 3m में ही लेके आना है, तो यहां मैंने 3q स्केयर को क्या नाम दे दिया 3m दे दिया, ठीक है। अब हमने एक कंडीशन तो हमारी सॉल्व हो गई, अब हमें दूसरी दिखानी है। अब इन दोनों का भी हम स्केयरिंग करेंगे, लिखते हैं यहाँ स्केयरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। स्केयरिंग करते हैं दोनों तरफ, क्या आ जाएगा यहाँ ए स्केयर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्केयर, खोलेंगे 3 3 9 क्यू स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस स्केयर में क्या आता है 2 इंटू ए भी, तो 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1। ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, क्यू क्यू वाली टर्म को इकट्ठा लिख लेंगे, क्या करेंगे ए स्केयर इक्वल्स टू 9 क्यू स्केयर प्लस 3 इंटू 2 6 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब ये जो इन दोनों टर्म्स है, ये जो पहली वाली टर्म है, इसमें से हमारा कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो हम 3 कॉमन करके लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं जैसे 3 कॉमन लिया 3 इंटू क्यू स्केयर प्लस 2q, ये प्लस 1 को बाहर ऐसे ही छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो अब फिर से यहाँ हमें किस फॉर्म चाहिए, 3m प्लस 1 की फॉर्म चाहिए, तो इस पूरी टर्म को हम क्या नाम दे देंगे, m नाम दे देंगे। मान लिया लेट 3q स्केयर प्लस 2q इक्वल्स टू m, यहाँ रखेंगे a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 एज इट इज रहेगा, इस पूरे का नाम मैंने क्या दे दिया m, और प्लस 1 भी एज इट इज ही रह जाएगा, ठीक है। अब एक बार और सॉल्व करके देखते हैं कि अगली फॉर्म भी 3m प्लस 1 की फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी, करते हैं। अब थर्ड को करेंगे, करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन थर्ड, हम इन इक्वेशंस का भी नाम देते हैं, इसका नाम जैसे मैंने 4 रख दिया, इसका नाम मैंने क्या रख दिया 5। अब थर्ड का क्या है, तो क्या आएगा ए स्केयर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्केयर, क्या आएगी वैल्यू 3 3 9 क्यू स्केयर प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा 3 2 6 6 2 12 q, ठीक है। इसको हम फिर से ब्रेक करते हैं, ए स्केयर इक्वल्स टू क्या कर देंगे 9q स्केयर, 12 को आगे लिख लेंगे प्लस 12q, 4 को हम कैसे लिख लेंगे 3 प्लस 1। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ लास्ट में 1 चाहिए है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए 3m प्लस 1, तो हमने यहाँ 1 लाने के लिए 4 को भी हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब इन तीनों में से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन, यहाँ 3 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 3q स्केयर, यहाँ से 3 कॉमन लिया 4q, यहाँ 1, और फिर बाहर भी एक 1 है, ये आ जाएगा इक्वल्स टू में क्या चल रहा है ए स्केयर। अब फिर से इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ हमारा ए स्केयर इक्वल्स टू 3m
प्लस वन, तो ये होगी इक्वेशन हमारी सिक्स। देखा हमने, हमने दो क्वेश्चन तीन वैल्यूज लेके चली हैं आर की। पहली में तो हमारा क्या आया, 3m ही आया, दूसरे और तीसरे से हमारा कैसी वैल्यू निकल के आई, 3m प्लस 1 की। तो अब अगर हम आगे एक और वैल्यू भी लेके चलेंगे तो वहां से भी हमारी किस टाइप की वैल्यू निकल के आएगी, 3m प्लस 1 की। यहां लिख देंगे वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हैंस इट कैन बी सेड दैट, इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर of the form 3m or 3m plus 1। यहाँ हमारा सोल्यूशन खत्म होता है। उसने क्या कहा था कि हमें यूक्लिड लेम्मा का यूज करके हमें ये दिखाना है कि स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्केयर करते हैं तो वो किस फॉर्म में आएगा, 3m और 3m प्लस 1 का। तो यहाँ से हमने एक और भी पॉजिटिव इंटीजर लिया, b की वैल्यू हमने 3 दी क्योंकि m के साथ वैल्यू क्या दे रखी है, 3। यूक्लिड लेम्मा का यूज किया हमने, r की वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया कहाँ तक, 0, 1 और 2 तक। 0 रखा तो 3q, 1 रखा तो 3q प्लस 1 और 2 रखा तो 3q प्लस 2। फिर क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को नाम दे दिया हमने, दोनों तरफ स्केयरिंग किया, 9 को ब्रेक किया 3 इंटू 3 की मल्टीप्लीकेशन में, तो इस 3q स्क्वायर को हमने नाम m दे दिया, यहाँ इसकी वैल्यू को क्या नाम दे दिया, 3m। तो ये चीज हमारी आ गई, ये वाला सॉल्यूशन हो गया। अब हमने किसका दिखाना है, 3m प्लस 1 का। तो ऐसे ही दोनों इक्वेशंस में एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे, एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर 3 को हम कॉमन ले लेंगे। जो 3 के साथ मल्टीपल में होगा उसका नाम हम क्या रख देंगे, m रख देंगे, ताकि हम किस फॉर्म में लेके आ सकते हैं इसको, 3m प्लस 1। यहां मैंने 2 तक किया है कि वैल्यू, हमने r की वैल्यू 2 तक रखी है, आप 3 तक भी लेके देख सकते हैं, 4 तक भी लेके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। उस पिछले वाले क्वेश्चन में हमने स्केयरिंग दिखाया था, अब इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या दिखाना है, क्यूब दिखाना है, और किस फॉर्म में दिखाना है, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था बस वैसे ही करेंगे, वहां स्केयर किया था, यहां क्या करेंगे, क्यूब, यहां वहां 3 था, यहां है हमारा 9। करते हैं सॉल्यूशन, दोबारा से वैसे ही लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी की वैल्यू हम यहाँ क्या रखेंगे, सॉरी 3 ही रखेंगे क्योंकि हम क्यूब करेंगे तो वो हमारा क्यूब से वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब बाय यूक्लिड लेम्मा क्या हो जाएगा, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3q प्लस आर। अब फिर से हमने आर की वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी, आर की वैल्यू क्या रख देंगे, एंड R इक्वल्स टू क्या क्या वैल्यू रखेंगे, 0, 1, 2, ठीक है, 1, 2 तक ही रखेंगे। अब हमारी A की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, therefore, ये therefore का साइन है, क्या हो जाएगा, A की वैल्यू जब R 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q लिख देंगे, when R इक्वल्स टू 1 क्या आ जाएगी A की वैल्यू, 3q प्लस 1, when R इक्वल्स टू 2 देन A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3q प्लस 2, ठीक है। अब हमने इनका क्यूबिक दिखाना है तो इसके तीन फॉर्म बन के आएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, लिखेंगे हम यहाँ, देयरफॉर एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दीज 3 फॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ हमारे 3 केसेस बनेंगे, वहां भी 3 केसेस बने थे, अगर आपको लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज रहने देते हैं। यहाँ लिख देंगे केस 1 क्या होगा, केस व्हेन ए की वैल्यू क्या होगी, व्हेन ए इक्वल्स टू 3q,
मैंने वहाँ इक्वेशंस का नाम दे दिया, आप केस का नाम भी दे, मैं यहाँ केस का नाम दे के भी दिखा रही हूँ और वहाँ इक्वेशन का नाम दे के भी मैंने सॉल्व कर दिया था। आप लिखेंगे ए इक्वल्स टू थ्री क्यू, दोनों तरफ क्यूब भी करेंगे लिख देंगे क्यू बोथ साइड्स, ठीक है, कर देंगे क्यूबिक, ए क्यूब इक्वल्स टू थ्री क्यूब का होल क्यूब, क्या आ जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27 क्यू थ्री। अब हमें किसकी फॉर्म में लेके आना है, 9m की फॉर्म में, तो 27 को हम ब्रेक कर लेंगे, कैसे कर देंगे, 9 इंटू थ्री क्यू क्यू, ये मैं फिर बता रही हूँ पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब यहाँ 3, यहाँ हमें क्या चाहिए, m चाहिए, तो इस पूरे टर्म को हम क्या मान देंगे, n मान लेंगे, लेट m इक्वल्स टू थ्री क्यू थ्री, ठीक है, लिखेंगे क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल्स टू 9m, समझ आ गया, वेयर m इज एनी इंटीजर लिख देंगे, यहां वेयर m इज एन इंटीजर, ओके, ये चीज है। अब केस सेकंड लेके चलते हैं, केस सेकंड क्या है, व्हेन a इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस वन, ठीक है, थ्री क्यूब प्लस वन लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ वही क्यूब करेंगे, क्यूब बोथ साइड्स करेंगे, क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल्स टू थ्री क्यूब प्लस वन का क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी का होल स्क्वेयर। अब यहाँ a और b की जगह वैल्यू क्या क्या दे रखी है, ये है यहाँ थ्री क्यूब प्लस वन का होल क्यूब करेंगे, इस पूरे का हम a नाम देंगे तो a का क्यूब होगा, a का क्यूब मतलब थ्री और q का क्यूब होगा, थ्री का क्यूब इज 27, q का क्यूब इज क्यू क्यूब, फिर है वन का क्यूब, वन रहेगा, उसके बाद थ्री ए स्क्वेयर, दैट मीन्स इस पूरे का क्या करेंगे हम, स्क्वेयर करेंगे, यहां मैं अलग से लिख के दिखा देती हूँ, थ्री क्यू का स्क्वेयर इंटू बी दैट इज वन, ठीक है, प्लस क्या करना है, थ्री ए बी का स्क्वेयर, ए एज इट इज थ्री क्यू और बी का स्क्वेयर दैट मीन्स वन का स्क्वेयर, ये क्या आ जाएगा, 27 क्यू थ्री प्लस वन प्लस थ्री का स्क्वेयर 9, 9 इंटू थ्री 27 और क्यू का क्या रहेगा स्क्वेयर प्लस थ्री थ्री जा 9 क्यू, दैट मीन्स थ्री क्यूब प्लस वन का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या निकलेगा हमारा, 27 क्यू क्यूब प्लस वन प्लस 27 क्यू स्क्वेयर प्लस 9 क्यू, यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्ट ए क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यू क्यूब प्लस वन प्लस 27 क्यू स्क्वेयर प्लस 9 क्यू, ठीक है। अब फिर से हम क्यू क्यूब वाले टर्म को इधर ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वेयर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब इस पूरे टर्म में से हम तीनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 9, लिख लेंगे 9 को बाहर, यहाँ क्या आ जाएगा, 9 थ्री जा 27, 9 थ्री जा 27, 9 वन जा 9 और प्लस 1 को बाहर रखेंगे, ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू ये आ गई। अब फिर से हमने किस फॉर्म में चाहिए, 9m प्लस 1 की फॉर्म में, तो इस पूरे टर्म को हम क्या मान देंगे, m मान देंगे, लेट m इक्वल्स टू थ्री क्यू क्यू प्लस थ्री क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू, तो यहाँ क्या रख देंगे, a इक्वल्स टू 9m प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। फिर से वही, वेयर m इज सम इंटीजर, वेयर m इज एन इंटीजर। अब केस थर्ड, मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने वहाँ इक्वेशंस को नाम दे दिया था 1, 2, 3, या तो आप इक्वेशंस का नाम दे के ही करते रहो या ऐसे केस बना दो, केस 1, केस 2 एंड केस 3। अब केस 3 में इक्वेशन हम कौन सी लेंगे, व्हेन ए की वैल्यू क्या होगी, 3q + 2, ठीक है, अब दोनों तरफ वही क्यूब बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, a की पावर 3 इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ भी मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको क्या निकलेगा, 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब निकालना है, इसी फॉर्मूले से करेंगे, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 27 क्यू 3, 2 का क्यूब कितना होगा 8, ठीक है, प्लस
थ्री इंटू ए स्क्वेयर दैट मीन्स 3q का होल स्क्वेयर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q और अब की बार किसका स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 9 थ्री जा 27 क्यू स्क्वेयर और मल्टीप्लाई में 2 भी है ठीक है प्लस 2 जा 4 और 3 जा 9 फोर जा कितना हो जाएगा 36 क्यू ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 27q3 प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वेयर प्लस 36 क्यू ये वैल्यू आ गई इसकी यहाँ लिख देते हैं ए क्यूब इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 27q3 प्लस 54q स्क्वेयर प्लस 36q प्लस 8 अब दोबारा से इस पूरी टर्म को हम कैसे लिख देंगे 9 को कॉमन ले लेंगे इस पूरी टर्म में से क्या आ जाएगा 9 को कॉमन लिया यहाँ बचेगा 3q³ प्लस यहाँ कितना बचेगा 6q² यहाँ बचेगा 4q प्लस 8q लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ 1 बचाना था यहाँ 4 था तो हमने 4 को ब्रेक किया था 3+1 में अब यहाँ 8 है हमें इक्वेशंस में देखना है यहाँ 8 ही चाहिए तो हम इस 8 को नहीं ब्रेक करेंगे ठीक है अब इस पूरे टर्म को हम फिर से क्या मान लेंगे m मान लेंगे लेट m इक्वल्स टू 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q इसमें रख देंगे a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 8 ठीक है दोबारा से वही वेयर m इज एन इंटीजर हमने किस फॉर्म में लेके आना था 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 तो लास्ट में हमने इसमें सोल्व कर दिया लिखेंगे लास्ट में देयर फोर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म वो किस फॉर्म में होंगे हमारी 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ये हमारी यहाँ एक्सरसाइज खत्म होती है मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन का रिवीजन करा देती हूँ क्या कहा इसने यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8 अब इसने कहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करते हुए हमें क्या दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम क्यूब करेंगे तो वो किस फॉर्म में निकल के आएंगे 9m, 9m+1 और 9m+8 यूक्लिड लेम्मा का यूज करने को कहा है तो हम करेंगे लेट ए भी यानी पॉजिटिव इंटीजर ए को हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और बी की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3 ही रखेंगे क्योंकि अब की बार क्यूबिक होएगा तो 3 का क्यूब होने पे 27 आ जाएगा उसमें से हमने 9 को कॉमन लेना तो 3 हमारा ऑलरेडी बच जाएगा इसलिए हम यहाँ 3 ही लेंगे बी की वैल्यू यूक्लिड एल्गोरिथम में हम यूज करेंगे क्या हो जाएगा ए इक्वल्स टू 3q प्लस आर आर की वैल्यू को फिक्स कर देंगे 0 1 और 2 जब आर की वैल्यू व्हेन r इक्वल्स टू 0 तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3q जब r को 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 व्हेन r को 2 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3q प्लस 2 आ जाएगी फिर अब हमने क्या किया तीन फॉर्म बना ली केस 1 केस 2 एंड केस 3 मैंने लास्ट क्वेश्चन में इक्वेशन 1 2 3 को नाम दिया था अब तुम केस 1 केस 2 केस 3 किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो यहाँ कर दिया व्हेन a इक्वल्स टू 3q जब a इक्वल्स टू 3q है तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्यूब करेंगे क्यूब करने पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी ए क्यूब इक्वल्स टू 3q³ आ जाएगी ठीक है उसके बाद हमने क्या किया है दोनों तरफ क्यूब किया ये वैल्यू इसमें से 9 कॉमन ले लिया इसको हम m मान लेंगे तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 9m आ जाएगी ठीक है अब उसके बाद हमारा केस टू हमारा क्या था a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 ठीक है दोनों तरफ क्यूब किया यहां से ये वैल्यू सोल्व की आ गई जिसमें से कॉमन आ सकता है उस पार्ट को इकट्ठा लिख लेंगे वन को हम पीछे लिख देंगे 9 कॉमन लिया ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारी इसको नाम हम क्या दे देंगे m दे देंगे क्या बन क्या आ जाएगा a क्यूब इक्वल्स टू 9m+1 जहां m क्या हो गया हमारा कोई भी इंटीजर हो जाएगा दोबारा से थर्ड केस में हम a की वैल्यू हमारी क्या आई थी 3q+2 इसमें भी हम ऐसे करेंगे दोनों तरफ क्यूब और फिर जिसमें से कॉमन आ सकता है 9 उस पार्ट को इकट्ठा लिख लेंगे जो टर्म बचेगी उसको लास्ट में लिख लेंगे क्या क्या इस पूरे को m का नाम दे दिया हमारी लास्ट इक्वेशन क्या आ गई 9m+8 वेयर m इज एन इंटीजर तो हमने किस फॉर्म में दिखाया था जो उसने फॉर्म कहा था 9m 9m+1
और 9m+8 हमने उसी फॉर्म में इसको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा ही पार्ट लेके चलेंगे, दो दो तीन तीन ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं डालेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं फिर से कह रही हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं मेरे पास। और एट द एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।